उसके बाद गृहस्थ में आप लोग कह देते ना बड़ी आपत होती है, पर जाएंगे आपको बुलाएंगे, दो रसगुल्ला खिलाएंगे। वे विझिझक, भारत में रहने वाले व्यक्ति को अपने कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय को जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकार को पाने का हक होना चाहिए। वोट देना हमारा अधिकार है क्योंकि हम भारतीय हैं, तो निश्चित रूप से हम आज जो है इस महापर्व में सम्मिलित होंगे, वोट देंगे और इस महापर्व का आनंद उठा करके अपने जिम्मेवार भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात होती है गुरु जी, और आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के काफी मुखर रहते हैं, अपनी आवाज रखते हैं बहुत तेजी से, कहाँ तक आपका वो मुहिम बना? आपने कहा था कि कहा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र, भारत में राम राज्य की स्थापना, भारत में राम मंदिर, रामलला का विराजमान, काशी के ज्ञान पापी के तहखाने में पूजा प्रारंभ होना, ये हिंदू राष्ट्र के प्रकल्पों का एक एक स्थान है जो हमारे मन की भावना। अभी बहुत काम बाकी रह गया, जातिवाद मिटवाना अभी बाकी रह गया, अभी जो राम की यात्राओं पर देवी पूजा पर रोक लगाई जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, रामचरितमानस जलाई जाती है, नृशंस संतों की हत्या की जाती है, अभी ये काम अभी बंद नहीं हुए, इन कामों में अभी भी ताला नहीं लगा। जब तक इनमें ताला नहीं लगेगा तब तक हम हिंदुओं को सनातनियों को जगाएंगे, धर्म विरोधियों की ठटरी बारेंगे और जरूरत पड़ने पर इनको देश से भी भगाना चाहिए। आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम यही नम्र प्रार्थना करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व भारत मनाता है और हमारा अधिकार है, भारतीय होने का अधिकार है, इसलिए हमें अपने अधिकार को स्वविवेक से जाकर के वोट डाल करके अपनी मजबूती के साथ में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए क्योंकि यह भी एक महायज्ञ है। गृहस्थ जीवन में जाना है ये तय है, जल्दी जाना है ये भी तय, और ये इसलिए भी नहीं हम बार बार घुमा फिरा रहे हैं कि आप बार बार पूछते रहो, बस कारण इतना है कुछ हमारे संकल्प निजी मन से हमने जो कमिटमेंट बालाजी से किया, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा नाम बागेश्वर सरकार, बालाजी का नाम बागेश्वर सरकार, अगर हमसे कोई भूल होगी या हमारे परिकर से तो हमारा नाम खराब नहीं होना, हमारे बालाजी का नाम, तो हमने जो पहले संकल्प लिए उन्हें पूर्ण करना, हमें गरीब बेटियों का विवाह है, आदिवासियों के लिए जो पिछड़े पिछड़े लोग हैं उनके लिए कार्य करना है, हमें कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण, इनका कुछ कुछ कार्य प्रारंभ हो जाए तब तो हम गृहस्थ में प्रवेश कर पाए, तो हम संकल्पों में दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यह बुंदेलखंड है, बड़ा पिछड़ा पिछड़ा इलाका है, सड़कें भी यहाँ ठीक नहीं, पानी भी नहीं, शिक्षा भी, यहाँ भारत में भिक्षा तो मुफ्त है शिक्षा कठिन है, शिक्षा हो गई यहाँ पर बहुत हॉस्पिटलाइज स्थिति से, जिस देश की दवाइयां महंगी और डॉक्टर लापरवाह होते हैं उस देश में भभूति बिकने लगती है, इसलिए हमें लोगों को पहले कुछ जगाना है, इसके बाद गृहस्थ में आप लोग कह देते हैं ना बड़ी आपत होती है, पर जाएंगे आपको बुलाएंगे, दो रसगुल्ला खिलाएंगे। शिक्षा को लेकर एक आखिरी सवाल आप लोग, पहले भी आपने शिक्षा को लेकर के बोला, बुंदेलखंड में एक ही बात करते शिक्षा को लेकर के आपने हमेशा बोला, क्या प्लानिंग आपकी है? प्लानिंग में हम अपने बल पे तो कर रहे हैं, हम सरकार नहीं, हम यहाँ के लोगों को जगा रहे हैं, यहाँ एक गुरुकुलम स्थापित कर रहे हैं, और उतनी हमारी निजी सामर्थ्यता नहीं, आए के हमारे पास उतने स्रोत नहीं, पर हम लोगों को जगा सकते हैं, गुरुकुलम स्थापित करके एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको हम सद्प्रेरणा देते हैं, पर भारत सरकार को हम कहेंगे सरकारी स्कूल के जितने मास्टर हैं उनके लिए एक नियम पारित हो जाए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे तो नौकरी रहेगी, तो हमें लगता है शिक्षा का स्तर सुधरेगा, विद्यालयों में जाने की नियमितता बढ़ेगी और भारत का सुधार होगा, और शिक्षा जिस देश में, इस देश में सबसे ज्यादा शिक्षा बिक रही है, शिक्षा मुफ्त हो, भिक्षा मुक्त भारत हो, शिक्षा मुफ्त भारत।